नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पाल्मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आपके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं तो आपका जो विवाह होगा वो प्रेम संबंध लव मैरिज में होगा। विवाह तो सभी करते हैं लेकिन अपने संयोग से करते हैं या माता पिता के सहयोग से करते हैं, लेकिन जो खुद को करते हैं उसको हम प्रेम संबंध बोलते हैं। उस विषय पे आज आपको हम हस्तरेखा शास्त्र के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली हमारी जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले घटनाक्रम के बारे में बताती है। यह हमारी मस्तिष्क रेखा। हम किसी बात को कितना एक्सप्लेन करते हैं, हमारे विचारों में खोते हैं, कितनी गहराइयों तक जाते हैं उसके बारे में बताती है। यह हमारी हृदय रेखा। हृदय रेखा हमारे इमोशनल प्यार के बारे में बताती है। जैसे कि आज हमारा सब्जेक्ट आज है प्रेम विवाह के बारे में। प्रेम विवाह की बात जब भी करते हैं हम हृदय रेखा को देखते हैं। हृदय रेखा हमारे दिल को जोड़ने वाली रेखा बोलते हैं। अगर ये आपकी हृदय रेखा इस गुरु के पर्वत तक पहुंचती है, ये बहुत प्रबल रेखा मानी जाती है। ऐसे लोग सच्चे इंसान होते हैं, सच्चे प्रेम करने वाले होते हैं, सच्चे मन की बात करने वाले होते हैं। अगर यहां पर बी का साइन बनता है, बी का साइन बनता है, तो ऐसे लोग जीवन में प्यार का प्रदर्शन करते हैं, और लेकिन अपने प्यार को पाने के लिए माता पिता के खिलाफ होकर प्रेम संबंध करके अपनी लाइफ में दूसरे के संयोग बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं कि प्रेम संबंध इतना गहरा होता है। ऐसे लोग सच्चे प्रेम करने वाले होते हैं और अटल सत्य है कि मतलब अगर ये रेखा आपके हाथ में तो आप प्रेम विवाह ही करेंगे। और अगर यहां पर ये क्रॉस का साइन है, क्रॉस साइन का मतलब कि अगर आपने मन में है तो आपका जो प्रेम संबंध है, वैवाहिक जीवन जो है ना, वो काफी सुखमय है, काफी खुशी का है। आप पूरी जिंदगी अपने इस प्रेम प्रसंग का आनंद उठाएंगे, मतलब सच्चे मन से प्रेम किया गया, सच्चे मन से ये प्रेम रेखा जो आपके सच्चे विचार को अटल करती है। और यहां पर एक शुभ साइन और देखते हैं। अगर यहां पर एक बी का साइन बनती है, ये वाई का साइन बनती है, तो ऐसे लोग जो जिंदगी में प्यार करते हैं, अपने प्यार को पाने के लिए अटल सत्य है कि ये लोग अपने प्यार को हासिल करने के लिए प्रेम संबंध ही करते हैं। अगर यहां पर वाई का सिंबल बनता है, अब इसी के साथ ये हमारी जो प्रेम विवाह जिसको हम यूनियन लाइन बोलते हैं या मैरिज लाइन बोलते हैं, प्रेम विवाह की जितनी बड़ी और जितनी सुंदर होगी, प्यार को उतना ही सुंदर ढंग से जीने का अंदाज आपको आएगा, जिंदगी में उतना ही मधुर प्यार होगा आपका। और यहां पर अगर ये एक त्रिशूल बनता है, ये काफी शुभ साइन होता है। वैसे तो त्रिशूल साइन कहीं भी हस्तरेखा में होता तो काफी शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन यहां पर अगर ये त्रिशूल बनता है तो ये आपके प्रेम संबंध को जो दर्शा रहा है वो होगा तो प्रेम विवाह, लेकिन वो किसी दूसरी जात के साथ होगा, अंतर जाति के साथ होगा। आपके अपनी जाति के साथ प्रेम संबंध नहीं होगा, दूसरी जात के साथ आपका प्रेम संबंध होता, उसके बारे में बता रही है। अब एक रेखा और देखते हैं। ये हमारी सूर्य की रेखा और ये सूर्य का पर्वत है। सूर्य की रेखा, सूर्य के पर्वत। हमारी रेखा कहां पर मिलती है? ये हमारी
हृदय रेखा में, दिल की रेखा में जब भी कोई रेखा मिलती है तो ये काफी अटैचमेंट मानती है। ये जो आपके सम्मान है, सूर्य की रेखा सम्मान के बारे में हम जानते हैं, और हृदय रेखा से जुड़ने का मतलब यहां पर ये प्रेम संचार को जगा रही है। अगर आपके हाथ में ये रेखा, हृदय रेखा से एक रेखा मिलती है तो इस चीज का संकेत दे रही है कि आप जीवन में अवश्य प्रेम विवाह करेंगे। और इसी के साथ एक रेखा अगर सूर्य रेखा से हृदय रेखा में मिलती है, वो इस सिंबल से मिलती है, तो इस चीज का संकेत है प्रेम विवाह तो तब भी होगा, लेकिन वो दूसरी कास्ट से होगा। और ये अटल सत्य है ये भी कि आपके प्रेम विवाह ही होगा। इसी के साथ एक सिंबल और देखते हैं, जैसे कि ये भाग रेखा है। भाग रेखा हाथ में जितनी सफल है उतना भाग आपका, उतना कैरियर आपका सुख और समृद्धि की तरफ लेके जाता है। भाग की बात जब भी करते हैं हम कैरियर की बात करते हैं। अगर ये हमारा मून का पर्वत है, ये चंद्र का पर्वत है, चंद्र का पर्वत हमारे मन के बारे में बताता है, हमारे विचारों के बारे में बताता है। हम कितने भाव में हैं, कितने खुशी में हैं, कितने दुख में, उस चीज का यहां पर व्याख्या करता है। अगर इसी हमारे चंद्र के क्षेत्र से एक रेखा इस हमारे भाग रेखा में मिलती है, ये भी आपके प्रेम संबंध को जाहिर करता है, दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो अपनी लाइफ में प्रेम विवाह ही करेंगे, उस चीज का संकेत आपकी हस्तरेखा में यहाँ पे निश्चित कर रहा है। और ऐसे लोग पत्नी का सपोर्ट काफी मिलता है जीवन में, वो पत्नी के आने के बाद या शादी होने के बाद उनकी जो ग्रोथ है बढ़ती जाती है और वो एक नए मुकाम पे पहुंचते हैं, उनका जो प्रेम विवाह होगा काफी सुख और समृद्धि की तरफ लेके जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।